हरि उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाने के साथ कच्चा प्याज यदि आप सेवन करते हैं तो इससे कौन कौन से फायदे आपको मिलते हैं। आजकल बढ़ती कीमतों के कारण प्याज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्याज का इस्तेमाल हर घर में किसी न किसी रूप में होता है। मुख्य रूप से सब्जियां बनाने में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दाल में तड़का भी लगाया जाता है। ज्यादातर लोग भोजन के साथ कच्चा प्याज सलाद के रूप में खाते हैं। वैसे प्याज की गंध अच्छी नहीं होती है, पर यह बहुत गुणकारी है। नियमित रूप से प्याज का इस्तेमाल करने पर कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं प्याज के 5 सबसे बड़े फायदों के बारे में। पहला फायदा, डिहाइड्रेशन से बचाव करता है। गर्मियों के दिनों में प्याज खाने से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। प्याज खाने से लू से भी बचाव होता है। अगर रोज एक कच्चा प्याज सलाद के रूप में खाया जाए तो कभी भी शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा फायदा, डाइजेशन को ठीक रखता है। दोस्तों, प्याज को किसी भी रूप में खाया जाए ये डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, उसे ठीक रखता है। प्याज में कुछ ऐसे तत्व, ऐसे रस होते हैं जो भोजन को पचाने में मददगार होते हैं। नियमित प्याज खाने से पेट हमेशा ठीक रहता है और गैस वगैरह की समस्या कभी नहीं होती। तीसरा फायदा, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा कारगर है प्याज। जिन लोगों को गठिया की समस्या है या जिन्हें जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है उन्हें प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। उन्हें प्याज भूनकर भी खाना चाहिए। इसके अलावा सरसों के तेल में प्याज के टुकड़े को गर्म करके उस तेल से मालिश करने से जोड़ों के दर्द में बहुत तेजी से फायदा होता है। चौथा फायदा, पेशाब संबंधी समस्याओं में प्याज बहुत ही कारगर है। अगर किसी को पेशाब आने में परेशानी हो रही है या रुक रुक कर पेशाब आता है तो प्याज का रस पिलाना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार 2-2 चम्मच प्याज का रस पिलाने से रोगी का पेशाब खुलकर आने लगता है और समस्या दूर हो जाती है। पांचवा और सबसे बड़ा फायदा, यौन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, कच्चा प्याज खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो उसे सफ़ेद प्याज का रस निकाल कर पीना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद प्याज को देसी घी में भूनकर भी खाना चाहिए। कुछ समय तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद इससे फायदा जरूर मिलता है। इस समस्या में देसी प्याज भी बहुत ज़्यादा कारगर है। दोस्तों, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये देसी प्याज है और ये भी यौन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे बड़े फायदे कच्चा प्याज खाने के। यदि आप हर रोज अपने सलाद में कम से कम एक कच्चा प्याज सेवन करते हैं तो ये अनगिनत फायदे आपको मिलते हैं और आप हमेशा ही स्वस्थ बने रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।